हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज चैप्टर है फर्स्ट आपका नंबर सिस्टम, उसका अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। ओके, एंड अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो नंबर गिवन था उसमें ओनली पर 1 प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इसमें आपको 2 प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओनली 1 नंबर्स में 2 प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी करनी है? 8 की। 8 इन जो गिवन नंबर है उसमें आपको 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ 8, और उसको क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो चेक करते हैं। थर्ड 8 कौन से प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे। एंड थर्ड 8 है आपका 5th प्लेस पे। एंड जो सेकंड प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू कौन सी होगी? 8 मल्टीप्लाई 10। एंड जो 5th प्लेस पे है उसकी होगी 8 मल्टीप्लाई 10,000। ओके, तो अपन चेक करते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8, यानी जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट 8 है उसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है? मीन्स 8 मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है? 1 एंड 10, तो मीन्स 8 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो गया? 10। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, यानी सेकंड 8 की प्लेस वैल्यू कौन सी होगी? 8 मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है? 1, 10, 100, and 1,000, and 10,000, तो मतलब किसे होगा? 1, 2, 3, 4, 10,000 से। ओके, तो इसका आंसर कितना हो गया? ये हो गया आपका 80,000। एंड नेक्स्ट अब क्वेश्चन में है फाइंड द डिफरेंस, यानी तो अपने दो बोथ प्लेस फाइंड वैल्यू फाइंड किया है उसका आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो अपन फाइंड करते हैं डिफरेंस ऑफ बोथ प्लेस। Difference of both place value यानी 80,000 माइनस या कितना होगा? सॉरी 8 कितना होगा? 80 कितना होगा? 80, तो 80,000 में से आपको माइनस करना है 80। ओके, तो अपन यहां पर साइड में माइनस करते हैं 1, 2, 3 and 4, और इसमें से माइनस करते हैं 80। ओके, 0 माइनस 0 कितना होगा? 0। एंड 0 माइनस 1 नहीं होगा तो बोलो वाले में बोलो कहां से होगा? यहां से। यहां कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो यहां पर कितना हो गया? यहां 10 था, यहां 1 बोलो गया कितना हो गया? 9। तो यहां पर ये हो गया 9। एंड यहां पर क्या कितना हो गया? 9। और यहां कितना हो गया? 7। तो इसका प्लस में डिफरेंस कितना हो गया? 7, 9, 9, 2, 0, 79,920। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड ट्राई करते हैं। इसमें आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 7 की, तो ट्राई करते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7, फर्स्ट कौन सी पोजिशन पे है? वर्स्ट पोजिशन पे। 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7। एंड नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 7, सेकंड 7 वंस, तो सेकंड 7 पर नोट किया। एंड मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है? 1, 10, 100 and 1,000, तो इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ? 1,000 से, तो आंसर हो गया 7,000। अब क्या करना है? सेम डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू इक्वल टू कितना होगा? 7,000 माइनस 7, 7,000 में से आपको माइनस कितना करना है? 7 माइनस करना है। ओके,
टेन यार बोलो क्या कितना हो गया, टेन टेन माइनस सेवन हो गया थ्री, या कितना हो गया नाइन, या अगेन हो गया नाइन और या हो गया सिक्स। तो आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो गया 6993। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेम टू सेम ही इसी टाइप का है, बट इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस था फोर्थ प्लेस वैल्यू का। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन में है सम ऑफ फोर्थ प्लेस वैल्यू। तो घर भी चेक करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट फाइव। तो फर्स्ट फाइव की प्लेस वैल्यू कौन से पोजिशन पे है, सेकेंड पोजिशन पे, मीन्स टेंथ पे है। तो फाइव मल्टीप्लाई टेन इक्वल टू फिफ्टी। एंड नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ ये सेम टू सेम लाइन नोट की हुई, ओके प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड फाइव। आपको यहाँ पे ऑपोजिट भी करना है सेम टू सेम, ओके प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड फाइव। तो फाइव नोट किया कौन से प्लेस पे है, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, किसने मल्टीप्लाई किया टेन थाउजेंड से, तो आंसर हो गया फिफ्टी थाउजेंड। अब अगेन आपने किसमें किया सम ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया 50,000 प्लस 50,000 50, ओके ये हो गया इसका सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका बन रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए एंड बी दिया है, सी एंड डी योर होमवर्क। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन का हमने ए और सी नॉट किया है, मीन बी और डी आपको होमवर्क में चेक करना है, ओके। तो अपन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का कि प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिक्स, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिक्स, सिक्स कौन सी पोजिशन पे है वन पे, मीन सिक्स मल्टीप्लाई वन इक्वल टू सिक्स। एंड सेम टू सेम ये लाइन नॉट की हुई है, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड सिक्स, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड सिक्स। तो सिक्स नॉट किया कौन से प्लेस पे है, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, कौन से प्लेस पे है टेन थाउजेंड प्लेस पे मल्टीप्लाई किया, ओके। तो इसका आंसर हो गया आपका 60,000। अब नेक्स्ट क्या करना है, सम ऑफ फोर्थ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू। तो बोथ प्लेस वैल्यू है उनका क्या करना है, सम मीन्स 60,000 प्लस सिक्स, तो इसका आंसर कितना हो गया 60,006, ओके। एंड नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन, उसको अपन ट्राई कर रहे हैं। प्लीज दैट इसमें जो मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं, दैट क्वेश्चन नंबर सेवन में अपने बी एंड डी नोट नहीं किए, मीन्स फोर क्वेश्चन है उसमें से टू मैंने एक्सप्लेन किए, तो आपको ट्राई करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको जो जिस प्लेस पे होता है उसको सेम हम लोग नोट किया, एंड कौन सा प्लेस पे है वन पे, तो टेन से मल्टीप्लाई टेन पे है, वन पे है तो वन से मल्टीप्लाई, टेन से है तो टेन से मल्टीप्लाई, हंड्रेड पे है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई, और उसी प्लेस कौन सी है थाउजेंड है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई, ओके। तो अपन क्वेश्चन नंबर एट ट्राई करते हैं, हाउ मैनी थाउजेंड मेक ए करोड़, एक करोड़ से कितने थाउजेंड बनेंगे हमको ये समझा करना है, ओके। हाउ मैनी थाउजेंड मेक ए करोड़, कितने जो है थाउजेंड बनेंगे एक करोड़ से, तो अपने में नोट करते हैं करोड़ मीन्स क्या होता है, ये हो गया करोड़, करोड़ मीन्स क्या हो गया वन वन जीरो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इसको रीड करते हैं वन एंड टेन एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड एंड
10,000 हुए, 10 लाख का मतलब क्या होगा? करोड़। कौन सा होगा? करोड़। अब इसमें आपको क्या करना है, हाउ मेनी थाउजेंड, कि इस जो करोड़ है इससे आपको कितने थाउजेंड है फॉर्मेट होंगे, फाइंड करते हैं। तो थाउजेंड का मीनिंग क्या होता है? थाउजेंड मीन्स ये थाउजेंड की फॉर्मेट हमारे किया। अब आपको ये करना है कि इस फॉर्मेट में आपको कितने थाउजेंड बनेंगे इस करोड़ से। ओके, तो नंबर ऑफ थाउजेंड मीन्स 1 करोड़ में आपको डिवाइड करना है थाउजेंड का, 1 करोड़ में डिवाइड करना है आपको थाउजेंड का। तो देखो 1, 2, 3 जीरो से अपन 3 जीरो कैंसिल किया तो रिमाइंडर कितना हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब इसको आपको रीड करना है थाउजेंड की फॉर्म में, इसको रीड करना है थाउजेंड की फॉर्म में। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको अपन रीड करते हैं थाउजेंड, तो मीन्स इसको मैंने रीड किया 10,000। कितना रीड किया? 10,000 मीन्स ये किसका रीड किया, इसको 1, क्या रीड किया 1 एंड ये 10 एंड 100 एंड 1000 एंड 10,000, यानी आपको यहाँ पर नीचे करना है कितने जीरो है इसमें, 10,000 कितने जीरो है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 यहाँ पर कितना हो गया, ये 1000 की फॉर्म हो गया, लेस अपने कितना रिमाइंडर है 10, तो 10 को इसमें रीड किया 10,000 की फॉर्म में। ओके, एंड नेक्स्ट है हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए मिलियन, मेक ए मिलियन। अपन मिलियन किसमें यूज करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपको मिलियन का नोट करते हैं, मिलियंस यानी मिलियंस मीन्स आपको किस फॉर्म में रीड करना है, 3, 3, 2, 3, 3, 3 and 2 इस फॉर्मेट में। ओके, तो मीन्स मिलियन का नोट किया, ये तो हो गया वंस, एंड ये कितना हो गया आपका थाउजेंड, और ये अगेन कितना हो गया मिलियन, कितना हो गया मिलियन, यानी देखो ये तो 3 पे कॉमा दिया, ये हो गया वंस, अगेन 3 पे कॉमा दिया थाउजेंड, एंड नेक्स्ट कौन सा हो गया मिलियन। अब आपको इस मिलियन से आपको मेक करना है थाउजेंड्स, कितने मेक करने हैं थाउजेंड्स आपको, तो चेक करते हैं नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स, यानी 1 मिलियन में डिवाइड किसका होगा, 3 and 3, 6 डिवाइड करना है बाय थाउजेंड से, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, रिमाइंडर कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 1, 10 and 100 and 1000 हो गया। तो अपन किस फॉर्म में, किस में क्या पूछा है, हाउ मेनी थाउजेंड, यानी किस फॉर्म में है, थाउजेंड की फॉर्म में ही है, तो कितना होगा 1,000, कितना होगा 1,000। ओके, ये था अपना फॉर को अपने रीड किया, क्या रीड किया थाउजेंड रीड किया, और नेक्स्ट है अपना 1, तो इसको रीड किया 10,000, और इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो मीन्स इसको क्या नहीं करेंगे 1, 10, 100 and 1000, तो ये ऑलरेडी 1000 ही है, तो मीन्स कितना होगा 1,000। ओके, अब इसको अपन वापस कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, तो 1 नोट किया और 1000 मीन्स 1000 वापस नोट किया, 1 × 1000 अगेन वापस कितना हो गया ये नंबर। ओके, तो दिस इज अपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।